भिवानी में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस मौके पर पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण करने का संकल्प लिया गया। इसी कड़ी में भिवानी के हनुमान जोहड़ी मंदिर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण की अपील की गई। इस मौके पर गर्मी में पौधों की सुरक्षा की भी अपील की गई। कार्यक्रम में पौधारोपण और संकल्प के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिस अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस प्रोग्राम में यही संदेश दिया गया कि हमें बढ़ चढ़ कर पौधे लगाने चाहिए और आसपास जहां तक हो सके हमारे बच्चों को, हमारे रिश्तेदारों को ये संदेश दें कि आज पर्यावरण दिवस पर एक एक पौधा जरूर लगाएं, जिससे हम आज के औद्योगिकरण में प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को बचा सकें और हमारा एक स्वच्छ भारत बना सकें। इस मौके पर भिवानी वासी राजेश कुमार, डॉक्टर हरिंद्र पूनिया व पुजारी चरणदास ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए और अधिक बारिश के लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और जल का दुरुपयोग न करके हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए और पानी का संरक्षण करना चाहिए। अधिक पेड़ होंगे और पानी होगा तो बारिश भी होगी। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधों की समय पर देखभाल भी करना जरूरी है। यदि पेड़ होंगे तो शुद्ध हवा मिलेगी। आज हर नागरिक को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए। प्लास्टिक बॉटल, थैली व अन्य प्लास्टिक का सामान प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। मैं डॉक्टर हरेंद्र पुनिया। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? सर, आज मंदिर परिसर में ये प्रकृति पर्यावरण को लेकर के एक विशेष मुहिम चलाई गई और महाराज जी इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे वर्ष भर चलाते रहते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी ने हमने शपथ ली है कि हम कम से कम एक वृक्ष, एक पौधा अवश्य लगाएंगे और लगाएं नहीं उस पौधे को पूर्ण रूप से पूर्ण वर्ष भर देखभाल करेंगे ताकि वो पल्लवित हो और जो आने वाले जो जैसे कोरोना प्रकरण में हमने देखा ऑक्सीजन की कमी रही तो पेड़ पौधों के कटने के कारण नहीं, और इस प्रकार पेड़ पौधे अगर लगेंगे, फलेंगे, फूलेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर मिलेगी। और बता दें कि एक सर्वे के अनुसार पूरे विश्व में हर साल करीबन 55 लाख दूषित हवा की वजह से मर जाते हैं, जो कुल मौतों का लगभग 10% है। अकेले भारत में हर साल 12 लाख लोग जहरीली हवा के कारण मर रहे हैं। आज के समय में बेहिसाब पानी की बर्बादी के कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। कुछ इलाकों में गर्मी के मौसम में भूजल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर हम ये कहना चाहेंगे कि हमने अपने पर्यावरण को सही से नहीं किया, दुरुस्त नहीं किया, स्वच्छ नहीं किया तो आने वाले समय में जो भी बीमारियाँ हैं उनसे बढ़ेंगी। तो पर्यावरण को शुद्ध रखना, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना, उसके लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। आज का धर्म भी यही है, आज का कर्म भी यही है और आज यदि हम पृथ्वी की मर्म को नहीं समझे, यदि पृथ्वी को हमने सही से नहीं उनकी सेवा की, उसको दरोपण नहीं किया, हरियाली नहीं की तो आने वाला समय बहुत हमारे कष्टदायक होगा और उस कष्ट से, दुख तकलीफों से, बीमारियों से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, पर्यावरण को स्वस्थ करें, पर्यावरण को संरक्षित करें। भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।